नमस्कार दोस्तों, नौजवान क्रांतिकारी और भारतीय इतिहास की एक बहुत लोकप्रिय हस्ती भगत सिंह का जन्मदिन है और हम सब लोग पिछले एक हफ्ते से इस मंच पे अलग अलग माध्यमों से भगत सिंह जी को याद कर रहे हैं। तो एक छोटा सा प्रयास है कि हम ये कितना हम भगत सिंह को जानते हैं। बहुत कुछ साहित्य आपके ग्रुप में साझा किया गया, बहुत सारी बातें सोशल मीडियाज पे भी, और भगत सिंह भारतीय इतिहास के एक ऐसे चरित्र हैं जिनके बारे में बहुत सारी बातें और अलग अलग तरह के नोशंस जो हैं वो पब्लिक डिस्कोर्स में रखे गए हैं। तो बस आज हम ज़रा सा इसे समझने की कोशिश करेंगे कि भगत सिंह होना क्या होता है और भगत सिंह कैसे भगत सिंह बने, उस प्रोसेस को हम देखेंगे। आज ही के दिन 1907 में भगत सिंह पैदा होते हैं और ये अलग अलग चार फेसेज हैं उनके लाइफ के, 11 साल, 17 साल और फिर वो 21 साल की एक पिक्चर है। और 23 साल की उम्र में इस क्रांतिकारी को फांसी दे दी जाती है और हंसते हंसते उस फांसी के फंदे को ये चूम लेते हैं। तो एक हमने बहुत बार बात सुनी है, आपने भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में। तो जब हम ऐसा कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? तो क्या हम पड़ोसी के घर का मतलब क्या शहादत का या सेक्रीफाइस या मार्टिडम जो उन्होंने शहीदी करी उसका डर होता है? तो फिर भगत सिंह होने का क्या मतलब है? क्या हम भगत सिंह को सिर्फ इतना ही जानते हैं उनकी शहादत से या फिर फांसी पर चढ़ जाने से या उनकी उनकी विचार यात्रा से भी हम उसको पहचानते हैं? अब जैसे भगत सिंह के बारे में आपने अलग अलग देखा होगा, आजकल भगत सिंह के बारे में पिक्चर आती है जिसमें भगत सिंह ने पीली पगड़ी पहनी है। प्रोफेसर चमनलाल जिन्होंने भगत सिंह पे सबसे बेहतरीन काम किया, वो कहते हैं कि भगत सिंह ने कभी भी केसरिया चोला नहीं पहना, कोई पगड़ी नहीं पहनी, ठीक है। तो अलग अलग भगत सिंह के बारे में अलग अलग फिल्म है, अलग अलग डिस्कोर्स है, उस सारे पूरे बैकग्राउंड्स पे हमें भगत सिंह को समझने की ज़रूरत है कि भगत सिंह क्या थे, ठीक है। फेसबुक में, ट्विटर में या फिर अलग अलग पॉलिटिशियंस उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो श्रद्धांजलि इसलिए दे रहे हैं कि भगत सिंह 23 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए या कुछ और भी था भगत सिंह के बारे में जो हमें नहीं पता है और जो पता होना चाहिए। ये द ट्रिब्यून की एक खबर है तो 1931 की, कि भगत सिंह और राजगुरु एंड सुखदेव एग्जीक्यूटेड, उनको फांसी पे कुछ समय से पहले ही उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया था। ये एक लास्ट लेटर है भगत सिंह का, मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, उनकी शुरुआत से नहीं, मैं लास्ट से शुरुआत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद एक्सप्लोर करें भगत सिंह के बारे में, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो साहित्य आपके साथ साझा किया गया है और किया जाएगा, आप उसे पढ़िए और आप खुद समझिए कि भगत सिंह होने का क्या मतलब है। ये 22 मार्च को 1931 को, एक दिन पहले जब उनको फांसी लगाने ले जाया जा रहा था, उससे पहले का एक लेटर है। क्या लिखा गया है? अपने कॉमरेड्स, अपने साथियों को बहुत छोटा सा लेटर लिखा, उन्होंने लिखा कि ना जीने की इच्छा मेरे में भी है, ये झूठ बात है, ऐसा नहीं है कि मैं जीना नहीं चाहता, मैं भी इसे छिपाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता हूँ, उन्होंने कहा, बट आई कैन स्टे अलाइव ऑन वन कंडीशन दैट आई डोंट विश टू लिव इन इम्प्रिजनमेंट और विद एनी बाइंडिंग। और उन्होंने कहा था कि मेरा नाम जो हिंदुस्तानी क्रांति है उसका प्रतीक बन चुका है, आपको पता होगा उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था, और वो कहते थे कि जो मेरा क्रांतिकारी दल है उसके आदर्श और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, अगर मैं अब जिंदा रहूँगा तो मैं कभी भी जो स्तर मैंने पा लिया है मैं उसको एक तरह से मेंटेन नहीं कर पाऊँगा और शायद मेरी कमजोरियाँ लोगों के सामने आ जाएंगी। और वो चाहते थे कि अगर मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा तो शायद जो क्रांति की जो दीवानगी है, आज़ादी के लिए लड़ने का जो पूरा आंदोलन है, उसमें हर माँ अपने बच्चे को कहेगी तुम भगत सिंह बनो ना। अभी हमने कहा था कि लेकिन लोग हम तो चाहते हैं पड़ोस मैं भगत सिंह हूँ। और वो चाहते थे कि साम्राज्यवाद और जो तमाम शैतानी शक्तियाँ हैं फिर वो किसी भी एक सुंदर समाज और सुंदर देश को बनने से नहीं रोक पाएंगी। तो एक शब्द साम्राज्यवाद आ गया, किन शैतानी शक्तियों की बात में बात कर रहे हैं, और इन्होंने बस इनको एक अफसोस था, हाँ, कि मैं जिंदा जो मैं करना चाहता था मैं उसका हजारवां हिस्सा भी नहीं कर पाया, लेकिन मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा हूँ। ये उनकी फांसी से एक दिन का पहले लेटर है, ठीक है। आपको क्या समझ में आ रहा है इससे? तो 23 साल की उम्र में एक नौजवान फांसी के फंदे पे उसको चढ़ जाता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो माफ़ी नहीं मांगता है। और उसको समझने के लिए इस लाइन को समझा जाए तो जितना 28 सितंबर 1907 का दिन महत्वपूर्ण है, बहुत सारे लोग तो 23 मार्च 1931 के दिन को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि वो शहादत का दिन है,
लेकिन शायद उसके बीच की जो चीज़ है, जो उन्होंने बातें कही हैं, जिस साम्राज्यवादी ताकत या शैतानी ताकतों के बारे में बात करें उसके बारे में शायद बात नहीं करते। उन्होंने लिखा था कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। ठीक है, विचार की शान क्या है, ये आइडिया थॉट्स क्या है, विचार क्या है, उनके बारे में बात करें तो एक ये बस मैंने ऐसे ही सिम्बॉलिक दिखाया, ये भगत सिंह के सिग्नेचर हैं और उन्होंने जे लाहौर जेल से पाकिस्तान में ही पैदा हुए, जो पूर्ववर्ती हमारा कहिए कि अभिभाज्य भारत का हिस्सा था, और वहीं ही लाहौर जेल में उनको फांसी भी दी गई। जैसे एक छोटा सा महत्वपूर्ण मामला है कि उन्होंने अछूत समस्या पे, मैं क्यों ला रहा हूँ, कोई डेलिबरेटली मेरा एक अटैम्प्ट है, ये अछूत समस्या पे उन्होंने कुछ लिखा है, आपके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर की गई हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि हमारे देश में, हमारे जैसे देश के हालात किसी देश में नहीं होंगे, हम अंग्रेज़ों से तो हम कहते हैं कि आप हमारे देश से चले जाओ, लेकिन आप ये बताइए कि अपने ही देश के जिनको हम अनटचेबल कहते हैं, 6 करोड़ लोग हैं, उन्हें हम मंदिर में नहीं जाने देते, उनको हम टच नहीं होने देते, अंग्रेज़ तो देश छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आप ये बताइए आप क्यों कर रहे हो अपने लोगों से। इसका मतलब वो आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ या उन एक नस्ल से आज़ादी नहीं चाह रहे थे, बल्कि उनकी आज़ादी का मतलब एक बहुत बड़ा मतलब था, मानव की इमेंसिपेशन, मानव की आज़ादी का एक बड़ा मतलब था। तो शायद अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप अपने देशवासियों को अधिकार नहीं दे रहे हैं, अपने ब्रदर और सिस्टर्स को आप उनको पानी नहीं पीने दे रहे हैं, और आप ही अंग्रेज़ों से उम्मीद करते हैं कि आपको वो बराबरी का अधिकार दे। जब आप खुद आपके पास पावर आ रही है तो आप अपने लोगों को अधिकार नहीं देते हैं। वो कहते हैं जब तुम एक इंसान को पीने के लिए पानी देने से भी इनकार करते हो, तब तुम उन्हें स्कूल में भी पढ़ने नहीं देते, तो तुम्हें क्या अधिकार है कि तुम अपने लिए अधिक अधिकारों की मांग करो। तुम तो कह रहे हो अंग्रेज़ों से मैं अधिकार दूँ, लेकिन आप अपने ही देश में अपने ही एक समुदाय को अधिकार नहीं दे रहे हो। जब तुम एक इंसान को समान अधिकार देने से भी इनकार करते हो तो तुम अधिक राजनीतिक अधिकार मांगने के अधिकारी कैसे बन गए। आप समझिए इतनी छोटी उम्र में उनके ये विचार हैं। ये तो एक क्लासिकल पीस है, इसके बारे में बात हो सकती है, आपको खुद पढ़ना चाहिए, वाई आई एम एथीस्ट। उन्होंने अपने आप को नास्तिक बताया और उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन से इस छोटे से पैम्पलेट्स पे उन्होंने सवाल उठाया गॉड के एग्जिस्टेंस पे, और बहुत तर्कपूर्ण ढंग से इतनी छोटी उम्र में, 21 साल की उम्र में उन्होंने ये लिखा। प्रोफेसर चमनलाल हैं, इन्होंने भगत सिंह पे बहुत काम किया है। मैं सिर्फ आपको, मैं ये नहीं बता रहा भगत सिंह कहाँ पैदा हुए, उनकी क्या जर्नी थी, बस मैं कुछ चीज़ें आपसे ये चाह रहा हूँ कि आप इनके बारे में सोचें कि भगत सिंह होने का मतलब क्या है और उनकी विचार यात्रा क्या है। बहुत अभी जिस डिस्कोर्स में हम रह रहे हैं वहाँ पे भगत सिंह को गांधी के पैरलर, गांधी को भगत सिंह के पैरलर, नेहरू को किसी के पैरलर रख दिया जाता है, लेकिन भगत सिंह कहते हैं कि दोनों के जो विचार थे वो दोनों आज़ादी चाहते थे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगत सिंह ने गांधी को बहुत रिस्पेक्ट दी, बट हिज आइडिया कुड नॉट ब्रिंग द सोशल चेंज फॉर इक्वलिटी। लेकिन गांधी चाह रहे थे कि अंग्रेज चले जाएं और देश में लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाएगा और इस तरह से काम होगा, लेकिन भगत सिंह कुछ और चाह रहे थे। भगत सिंह समाज में आमूलचूल परिवर्तन की बात कर रहे थे, भारतीय समाज में। वो कहते थे कि आज़ादी मिल जाएगी, गोरे अंग्रेज चले जाएंगे, लेकिन जो भारतीय अंग्रेज हैं फिर वो सत्ता पे आ जाएंगे। ठीक है, वो आज से बहुत पहले बात कर रहे थे, अभी क्या है आपको पता होगा। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ भगत सिंह बनते कैसे हैं। फैमिली बैकग्राउंड था, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड उनके दादा हों या उनके पिताजी हों, बहुत ही क्रांतिकारी विरासत के थे। सरदार किशन सिंह जो उनके पिताजी थे, तो वो तो क्रांतिकारियों को इतना पैसा और धन देते थे कि अंग्रेजों ने उनको घर के अंदर, जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट है उसके तहत नज़रबंद कर दिया गया। ठीक है, तो इसके कारण से उनके ऊपर इतनी निगरानी हो गई, तो वो पंजाब से लाहौर, यानी उस समय जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहाँ से ये लखनऊ आ गए और वहाँ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 19वें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसकी गतिविधियों में शामिल हो गए। उस समय जो भगत सिंह बनने की प्रोसेस है, मैं 3 पॉइंट इस पर डिस्कस करना चाहता हूँ। उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि निश्चित रूप से था, और उस समय देश का क्या माहौल था, और ग्लोबल सिचुएशंस थी। ग्लोबल सिचुएशंस क्या थी उस समय, माहौल ये था कि एक रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट ये था कि अंग्रेज किसी भी को भारतीय को गिरफ्तार कर सकते थे और 2 साल तक बिना किसी सुनवाई के वो जेल में रहेगा, और आपको सिद्ध करना है कि आपने कोई अपराध नहीं किया है। ये ऐसा कानून था, इसका लोग विरोध कर रहे थे, और जलियांवाला बाग आपको पता होगा 1919 में बैसाखी के उस दिन हजारों लोगों को जनरल डायर ने इस तरह से मार दिया गया। और आपने वो कहानी भी पढ़ी होगी बचपन में कि भगत सिंह यहाँ गए और उन्होंने यहाँ की मिट्टी को रख लिया अपने पास, इस मिट्टी को चूमा, और उन्होंने फिर अपने पापा से कहा कि मैं बंदूकें उगा रहा हूँ, मैं बड़ा होकर बदला लूँगा। तो ये कहानी है, बचपन में बहुत असर पड़ा। तो एक तो उस समय की जो स्थितियाँ थी भारत में, जो भारत में स्थितियाँ थी, जिस तरह का तनावपूर्ण माहौल था, अंग्रेज़ जिस तरह से भारतीयों के साथ जो व्यवहार कर रहे थे, भगत सिंह के जिस रूप में, क्रांतिकारी रूप में बनने में इसने बहुत बड़ा योगदान दिया, पहला। दूसरा, दुनिया भर में जो हो रहा था। भगत सिंह जब पैदा हुए 1907 में, आज ही के दिन उससे 10 साल बाद एक बहुत ही अभूतपूर्व क्रांति हुई
रूस या जिसे सोवियत संघ बाद में कहा गया और आज इसको रूस कहते हैं। यहाँ पे पहली बार ये तय किया गया कि एक समाजवादी व्यवस्था, इनकी पार्टी का भी नाम हम जब बात कर रहे थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो इस तरह से ही, और बाद में जो उस पार्टी का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी बन गया था, तो ऐसी ही एक सोशलिस्ट क्रांति यहाँ पे हुई। इसमें ये माना गया कि जो निजी संपत्ति है नहीं होगी, और मजदूरों और किसानों की सरकार की बात की गई, बराबरी के हक की बात की गई। तो इस तरह की एक क्रांति के विचार से ये जो क्रांति हुई थी, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, जैसे भारत के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू प्रभावित थे, दुनिया भर के नौजवान प्रभावित थे, और भगत सिंह भी इस क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो यहीं से सोशलिस्ट जो विचार थे कि समाज में विषमताएँ ना हों, इसको लेके भगत सिंह को हम जिस नए रूप में देखते हैं, तो वो विचार यहाँ से आता है। आप देखिए, इस क्रांति के जो प्रवर्तक थे लेनिन, और जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी, तो उससे पहले वो लेनिन की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे थे, तो लेनिन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे भगत सिंह। तो ये वो लेनिन की फ़ोटो है। दो चीज़ें हमने देखा कि इन दो चीज़ों ने बनाया, और भगत सिंह को, इस बालक भगत सिंह को, इस क्रांतिकारी भगत सिंह को बनाने में दुनिया की इस क्रांति का बहुत बड़ा योगदान था, और देश में उस समय जो स्थितियाँ चल रही थी, और तीसरा एक गांधी का जो पूरा आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन 1922 में चौरा चौरी की घटना होती है, गांधी उसको वापस ले लेते हैं क्योंकि हिंसा हो जाती है, और बहुत सारे लोग इससे दुखी भी होते हैं कि जब एक मोमेंटम बना था आपने आंदोलन वापस क्यों लिया। लेकिन भगत सिंह, गांधी का एक अपना सिद्धांत था कि हिंसा नहीं करनी है, भगत सिंह उस बात से भी दुखी हुए थे, और शायद इसके बाद उन्होंने एक हिंसा वाला कि हम हिंसा से ही सशस्त्र क्रांति के जरिए ही सत्ता परिवर्तन या समाज परिवर्तन होता है, उसकी तरफ आगे बढ़े। इस पूरी कहानी में एक बहुत मज़ेदार बात यह है कि एक सिद्धांत है उनके पास, एक समझ है, इसके लिए बहुत भगत सिंह पढ़ते हैं, लगातार वो मेहनत करते हैं, लगातार वो लाइब्रेरी में जाते हैं, लगातार डायलॉग करते हैं अपने साथियों से, लगातार सीखते हैं, घर से दूर रहते हैं और क्रांतिकारियों के साथ रहते हैं, चाहे उसमें, तो इस पूरी प्रोसेस में भगत सिंह इवॉल्व हो रहे थे, पहला। दूसरा, और उसी समय भारतीय समाज की जो बनावट है, भारतीय समाज में जो असमानता है, वो भी उनको परेशान कर रही थी। इन सारी चीज़ों को लेकर क्रांतिकारी घटनाओं में भगत सिंह शामिल होते हैं, और जब जलियांवाला बाग घटना के बाद लाला लाजपत राय को अंग्रेज लाठी चार्ज में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बदले में एक सांडर्स अधिकारी होते हैं, उसको ये लोग मिलके लाहौर में 1928 में गोली मार देते हैं। उसमें तो गिरफ़्तार नहीं हो पाते हैं भगत सिंह, लेकिन 1929 में भगत सिंह को गिरफ्तार, वो नेशनल असेंबली जो अभी वर्तमान में संसद है ब्रिटिश भारत की, जो उस समय नेशनल असेंबली थी, उसमें बम फेंकते हैं, और बम इसलिए नहीं फेंकते हैं कि किसी को नुकसान हो, बल्कि उस बहरी गूंगी अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम फेंकते हैं, और भागते भी नहीं है, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है उसी पार्लियामेंट स्ट्रीट पे, जो थाना है अभी भी वहाँ पे है, वहीं इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, इन पे मुकदमा होता है, और मुकदमा ऐतिहासिक है, आपको पढ़ना चाहिए वो सारी चीज़ें, वो मुकदमा ऐतिहासिक है। और उसके बाद ये तय करते हैं कि ठीक है, हमने क्यों करा, और अपना जो पूरा का पूरा व्यू होता है, अपना जो पर्सपेक्टिव होता है, वो अदालत में रखते हैं, वो पूरे भारत में और दुनिया के सामने रखा जाता है। तो इस क्रांति के महान विचार को, इस महान और छोटी सी ज़िंदगी जीने वाले, लेकिन बहुत ही सार्थक ज़िंदगी जीने वाले इस क्रांतिकारी ने हम सब लोगों के सामने रखा है। शुक्रिया।